का जोरदार स्वागत किया गया। मथुरा के राया में व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वाभिमान यात्रा का राया आगमन पर व्यापार मंडल द्वारा स्वागत किया गया। हाथरस मार्ग पर पहुंची यात्रा के आगमन पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने दुपट्टा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्र ने बताया कि उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर 75 जिलों में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे और 57 दिन तक चलेगी, जो व्यापारियों की एकता का संदेश देगी। व्यापारियों की समस्या मंडी शुल्क की समाप्ति, ऑनलाइन विदेशी कंपनियों को एक्ट के अंदर लाने की मांग की है। जिस प्रकार से देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार व्यापारी दिवस भी मनाए जाने की मांग करेंगे। 8 मई को यात्रा लखनऊ में समापन होगी। इस दौरान समाजसेवी भूपेश अग्रवाल द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मुकुंद मिश्रा और स्मृति चिन्ह गदा देकर स्वागत किया और जिलाध्यक्ष मुकेश वासड़े, राजकुमार अग्रवाल माटवाले, राजेश गुप्ता, रमेश चंद बजाज, राजकुमार अग्रवाल, राकेश शर्मा, अखिल अग्रवाल, सचिन चंद्रप्रकाश, कृष्णकांत अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। आज उत्तर प्रदेश होने के उपलक्ष्य में एक यात्रा निकाली जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। मुकुंद मिश्रा जी के नेतृत्व में 5 तारीख को राया के द्वारा राया के उत्तर प्रदेश जो पापा मंडल के राया के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेगी और एक व्यापारी एकता का संदेश जाए ऐसा इसका उद्देश्य है। यात्रा इसके लिए व्यापारी जाने जा रही है, इसके लिए हमारे व्यापारी के लिए अगर व्यापारी किसी भी तरह की समस्या कोई समस्या हो व्यापार इसी यात्रा का जो उद्देश्य है वो किसी भी व्यापारी को कोई भी समस्या है उसके लिए एक साथ जुड़े रहने का ये उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पे एक ये पूरे प्रदेश में हमारे पूरे 75 जिले के हर एक तहसील कस्बे में जाने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 13 तारीख को सहारनपुर से हुई थी और इसका समापन 8 मई को सदैव श्याम मरी मिश्रा की जन्म जयंती पे लखनऊ में होना है। तब तक ये यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी। इसमें व्यापारियों की एकता का हम संदेश लेके गए हैं और जो भी व्यापारियों को इस समय सर्वे आ रही जो उनको मांग है उन मांग को भी हम लोग संकलित करके इस यात्रा के बाद देश व प्रदेश के मंत्रियों से मिलकर उसका समाधान कराने का प्रयास करें। इस यात्रा का निकालने का क्या मुख्य उद्देश्य है? इस यात्रा का एक तो 50 वर्ष हुए, हमारा गौरव भाई 50 वर्ष हुए हैं। इसमें हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने व्यापार मंडल की स्थापना की है जो इसके लिए शहीद हुए हैं उनको याद करना, संगठन को मजबूत बनाना, व्यापारी एकता को प्रदर्शित करना और सरकार से जो हमें व्यापार में समस्याएं आ रही है उसका समाधान कराने का भी संदेश है। कितने जिलों में निकाली जाएगी ये पूरे 75 जिले के में निकाली जाएगी और ये 57 दिन चलने वाली यात्रा। क्या प्रमुख मांगे हैं व्यापार? देखिए अभी जो मांगे आई है वो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में जो हम लोगों के उसके भ्रष्टाचार है, मंडी शुल्क, बगल में दिल्ली है, बिहार है, वहाँ पे मंडी शुल्क नहीं है, उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क की पूर्ण समाप्ति के लिए, ऑनलाइन में जो समस्या व्यापारियों को आ रही है उसके लिए हम लोगों ने एक मेमोरेंडम केंद्र सरकार को दिया है और उनसे मांग की है कि जल्द ही ऑनलाइन जो विदेशी ऑनलाइन कंपनियां हैं उनको भी रेगुलेटरी एक्ट के अंदर लाया जाए। हमारे विधानसभा में, राज्यसभा में व्यापारी प्रतिनिधि का भी सीटें हो, जिस प्रकार से शिक्षक का है उसी प्रकार से व्यापारी प्रतिनिधि हिस्सेदारी ले। जिस प्रकार से श्रमिक दिवस शिक्षा दिवस मनाया जाता है व्यापारी दिवस भी भामाशाह के जन्मदिन पर मनाया जाए, यही सब मांग लेकर के ये यात्रा चले। नोएडा पुलिस के द्वारा एक